दोस्तों अगर आप भी भारत की श्रीलंका के खिलाफ सीरीज जीत से खुश हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों तीसरा T20 मुकाबला सुपर ओवर में जाकर जीता भारत, तो 3-0 से सीरीज हुई हमारे नाम। लेकिन रोहित कोहली, हार्दिक से लेकर धोनी, सचिन, सहवाग तक ने क्या कहा वो तो आपको वीडियो में दिखाएंगे, तो बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव में से कौन अच्छा कप्तान है? अपनी कीमती राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों जैसा कि आप सभी तो जानते हैं कि भारत और श्रीलंका के बीच तीसरा T20 मुकाबला पल्ले के लिए इंटरनेशनल स्टेडियम पर खेला गया, जहां इस मुकाबले में श्रीलंका टीम के कप्तान चरित असलंका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का निर्णय किया। अब भारत की टीम बल्लेबाजी के लिए उतरी तो यहाँ श्रीलंका के गेंदबाजों ने टीम इंडिया को फंसा कर रखा और 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 137 रन मात्र भारत की टीम बना पाई थी। इस दौरान टीम इंडिया के लिए सबसे ज्यादा 39 रन शुभमन गिल के बल्ले से निकले थे, तो रियान पराग ने 26 और वॉशिंगटन सुंदर ने 25 रन की पारी खेली। अब श्रीलंका की टीम बल्लेबाजी के लिए उतरी तो यहाँ पहले विकेट के लिए श्रीलंका ने पथुम निसंका और कुशल मेंडिस की साझेदारी की बदौलत 58 रन जोड़ लिए थे। अब पथुम निसंका 26 रन बनाकर जब रवि बिश्नोई के अंदर आती हुई गेंद पर रियान पराग को कैच दे बैठे तो यहाँ पर श्रीलंका की टीम पर कोई दबाव ऐसा था नहीं, क्योंकि यहाँ कुशल मेंडिस और कुशल परेरा ने मिलकर फिर पारी को संभाल लिया और दूसरा विकेट 110 रन पर जाकर श्रीलंका की टीम का गिरा, जहाँ कुशल मेंडिस 43 रन बनाकर आउट हुए। लेकिन दोस्तों कुशल परेरा की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। लेकिन एक छोर से कुशल परेरा तो दूसरी तरफ से वानिंदु, हसरंगा, चरित असलंका सब 2-2 1-1 रन बनाकर आउट हो रहे थे। और जैसे ही 19वां ओवर करवाने के लिए रिंकू सिंह आए तो यहाँ उन्होंने बची हुई कसर भी पूरी कर दी कुशल परेरा को आउट करके, जो कि 46 रन बनाकर ही आउट हुए। बाकी आप बल्लेबाजों को देखोगे तो श्रीलंका की टीम का और कोई बल्लेबाज 5 से ज्यादा रन भी बना नहीं पाया। अब दोस्तों यही कारण था कि श्रीलंका जो इस मैच को जीत रही थी वो 137 रन पर ही ढेर हो गई और यहाँ सुपर ओवर में मुकाबला पहुंच गया। फिर सुपर ओवर में श्रीलंका की टीम ने मात्र 2 रन बनाए और पहली गेंद पर भारत ने यह मैच अपने नाम कर लिया। अब दोस्तों टीम इंडिया का ऐसा जबरदस्त प्रदर्शन देखकर दिग्गज खुश हो गए। इस दौरान रोहित शर्मा का बयान निकल कर आया, जहां रोहित ने कहा कि सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह की ऐसी गेंदबाजी देखकर आनंद आ गया। मुझे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि तीसरा T20 हम जीत भी पाएंगे, लेकिन रिंकू और सूर्य कुमार ने जो कारनामा करके दिखाया है मैं खुश हूँ। तो वहीं बात करें अगले बयान के बारे में, वो आता है विराट कोहली का, जहाँ विराट कोहली ने कहा, मुझे उम्मीद तो पूरी थी कि हमारा देश जीतेगा, लेकिन इतनी स्पीड में जीतेगा ये नहीं पता था। तीसरा T20 तो हमारे हाथ से निकल ही चुका था, लेकिन रोहित की दी हुई सलाह सूर्य कुमार यादव को काम आई और उन्होंने रिंकू सिंह को गेंदबाजी देकर जो मैच पलटा है, सही में ऐसा कभी देखने के लिए नहीं मिला। तो वही बात करें आगे बढ़ते अगले बयान के बारे में, वो निकल कर आता है महेंद्र सिंह धोनी का, जहां धोनी कहते हैं कि हमारी टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीतने के बाद इतनी स्ट्रांग हो चुकी है कि टीम को 30 गेंदों में 30 रन भी नहीं बनाने देती है, भला इनको भी तो एक मैच जीतने का मौका दो सूर्य कुमार। तो वही बात करें आगे बढ़ते अगले बयान के बारे में, वो निकल कर आता है सचिन तेंदुलकर का, जो कहते हैं कि हमारे देश ऐसे ही आगे बढ़ता रहे, मैं अपने देश की टीम को इस तरह खेलता हुआ देख बहुत खुश हूँ। तो वही बात करें आगे बढ़ते अगले बयान के बारे में, वो निकल कर आता है वीरेंद्र सहवाग का, जहाँ वीरेंद्र सहवाग ने कहा, हमारी टीम इंडिया अब इतनी स्ट्रांग हो चुकी है कि श्रीलंका ही नहीं बाकी दुनिया की कोई भी टीम हमारे आगे आ जाए हम उसे हराने का दम रखते हैं। मैं जानता हूँ कि हमने कई बार मेहनत की लेकिन हम T20 विश्व कप पहले अतीत में जीत नहीं पाए, लेकिन अब मुझे पूरा कॉन्फिडेंस अपनी टीम को देखकर कि ये टीम कुछ कारनामा कर दिखाएगी सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में। तो दोस्तों यहाँ पर दिग्गजों ने तो शानदार बयान देकर लाखों करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल जीत लिया। लेकिन अब आप क्या मानते हैं कि दिग्गजों ने जो कहा वो सही या फिर गलत? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।